सलाबिलमी वाआाकबालमतकी वसलात वसलाम अलाशरफिलम्बियामरसलिन वाला आल वसाबी अजमाइन अम्माद फ़ौजबिल्ला समील आलिमीन शैतम बसमीम वमऊदत सल बईम बिन कतिलत सदाकल उदीम अल्ला महमदिन अल अली महमदिनकम सल इब्राहीम वालाब्राहिम इनक हमीद व मजीद अला अल्लाउ व अला आलि महमद कमा मबारक तला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम वालब्राहिम इनका हमीदुमजीद रबिशाहली सदरी व ली अमरी व लिसानी याफ़ाऊ कौली मौतम नाज़रीन कराम बुजुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओ बहनों भाइयों भाइयो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदेद करता हूँ नाजरीन पे दर पे कुछ वाक़यात हुए ख़ास तौर पर मियाँ वाली के अंदर एक नौजवान ने अपनी पहली औलाद जो कि बेटी थी उसकी पैदाइश पर जब वो सात दिन की हुई तो उसको गोलियां मार कर कर दिया और इसी तरह से कुछ दिन पहले वाक़ हुआ कि एक एम्बुलेंस में बच्ची की पैदाइश हुई और चलती हुई एम्बुलेंस से उस बच्ची को जो है वो फेंक दिया गया और वो बच्ची जो है वो मर गई इस किस्म के वाकयात कुछ तो अखबारों की ज़ीनत बन जाते हैं मीडिया पे आ जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात जो हैं वो रोज़मर्रा हम अपने इलाकों में अपने मुल्कों में अपने गाँव शहरों में इर्द गिर्द सुनते हैं देखते हैं कि बच्चियों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जाती है बहुत बुरा सलूक किया जाता है और आज भी वो जो माइंड है जमाने जाहिलियत का वो मौजूद है और बाकायदा हिंदुस्तान के तो कुछ इलाकों के अंदर तो पाबंदी है अल्ट्रासाउंड कराने की क्योंकि लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको पता चल जाए कि माँ के रहम के अंदर बच्ची है तो वो उसका अबोशन करवा देते हैं तो लिहाजा ये जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने का जो जमाने जाहिलियत में एक दस्तूर था वो आज भी किसी न किसी सूरत के अंदर पाया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी मेहरबा हैं वार सहमत आलमीन अल्लाब्ज़त ने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर मबूस किया आपकी रहमत आमा तो तमाम दुनिया के इंसान बल्कि इंसानों से बढ़कर हैवान और तमाम मखलूक़ पर है लेकिन आपकी रहमत खासा ख़ास तौर पर जो मतवज हुई वो बच्चियों के लिए कुरान पाक में अल्लाह अल्ला रब्ज़त ने शाद फरमाया वऊदत सतई रम्मिन कुतिलत कि कल के आमद के दिन ये बच्ची पूछेगी जिसको ज़िंदा दर किया गया था बे आई रमन कि मुझे किस जुर्म में किस गुनाह के अवज़ मुझे कतल किया गया हुजूर अकरम सल्ला वसलम ने आकर नाजरीन इस जो भयानक जो रस्म थी उसको ख़त्म फरमाया और आपने बच्ची की पैदाइश पर बच्ची की तरबियत पर फ़ाइल को सुनाया हुजूर अकरम सल्ला वसलम तशीफ़ फरमा थे एक शख्स जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे साहब रसूल हज़ूकरम सल्ह वसलम के पास आए और आके कहा यार रसूल अल्लाह मुझे चैन नहीं आता मैं बड़ा बेचैन हूँ बहुत गमगीन रहता हूँ तो हज़ू ने पूछा क्यों ऐसा तुमने क्या किया का यारसोल्ला मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ और वो जुर्म ये था कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे बच्ची दी और मेरी जो बीवी थी उस बच्ची ने इस बात को छुपा के रखा कि ये मेरी बच्ची है और मुझे बताया गया कि तेरा बच्चा हुआ था वो पैदाइश के साथ ही इंतकाल कर गया हालांकि वो बच्ची थी मेरी और बताया गया कि ये किसी और की है और उसको हम पाल रहे हैं थोड़े अरसे में मुझे उस बच्ची से लगाव हो गया उस बच्ची को मुझसे मोहब्बत हो गई और जब मुझे पता चला कि यह बच्ची जो है वो मेरी ही बच्ची है तो मैंने एक दिन उसके उसका हाथ पकड़ा और वो मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चल, चल चल चली और मैं एक जंगल में गया वहाँ पर बाज़ रिवायतों में आता है कि ज़मीन खोद कर जो है मैंने उसको ज़मीन में दफना दिया बाद में आता है कुआँ था उसके अंदर फेंक दिया और वो मुझसे पूछ रही थी कि बाबा आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं और जो उसके आखिरी अल्फाज थे वो समझिए कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ उसके जो आखिरी अल्फाज जो मेरे कानों में पड़े वो बाबा के थे और वो मुझे पुकार रही थी लेकिन मैंने उसकी पुकार को अनसुना किया और इतना बड़ा जुल्म किया अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर किया नाजीन हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुनकर आप रोने लग गए और बड़ी आ, शिद्दत के साथ आपके आंसू बह रहे थे और आपकी दाढ़ी जो है दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से तो साहबा मौजूद थे तो साहबा ने उस शख्स को कहा कि अल्लाह के, के बन्दे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया तो हुजूर ने कहा कि नहीं तुम मुझे पूरा वाक़ा सुनाओ कि तुमने क्या किया फिर उसने सुनाया हज़ूर अक्रम सल्ल वम धाड़े मार मार के रो रहे थे और फिर आपली वसलम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया कि देखो तुमने वो जुर्म गुनाह ज़माने जहलीत में किया था कुफर के हालत में किया था और इस्लाम यहादा का कबला इस्लाम तो हर उस चीज़ को माफ़ कर देता है जो इंसान ने जुर्म किया हो हालत कुफर में तो अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए आपने उसके लिए दुआ की तो लिहाजा नाजरीन आ, उस शख़्स को तो इस बात का एहसास हो गया जब वो इस्लाम लाया तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि मुझसे इतना बड़ा जुल्म हुआ है इतना बड़ा जुर्म हुआ है और वो जुल्म और जुर्म उसको आ, सोने नहीं देता था उसकी बच्ची की आवाज़ जो है उसके कानों में गूंजती थी जैसे ही वो आंखें बंद करता था तो उसकी आवाज़ से वो जाग जाता था उसको तो कम से कम इस बात का एहसास हो गया लेकिन क्या हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे माशरे के अंदर लोगों के अंदर अभी तक ये एहसास है देखे अल्लाह इज़्ज़त ने कुरे पाक में रिशात फरमाया हीसन्ना ख़लनाकुम इन जकन व उनसा ए लोगों हमने तुम्हें मर्द और और औरत पैदा किया अब जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें मर्द और और औरत पैदा किया है तो किसी भी इंसान को इस बात का इख्तीार नहीं है कि वो अपने लिए मंतखब करे कि वो खुद बेटा हो लड़का हो या लड़की हो जब भी इंसान पैदा होता है अपनी ख्वाहिश पे अपनी च्वाइस पर तो पैदा नहीं होता कि जी मुझे लड़की पैदा होना है या मुझे लड़का पैदा होना है इसी तरीके से आपको इस बात का भी इख्तियार नहीं दिया गया आपको ये कि आप ये मुंतखब करें कि जी आपकी पहली औलाद बेटी होनी चाहिए या बेटा होना चाहिए ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इशात फरमाए मलक यख़लुकु मा यशा के आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है अल्लाह मालिक है आसमान और ज़मीन का यख़लुकु मा यशा जो वो चाहता है वो पैदा करता है यहाँ बोली मई ऐशा उनाशा किसी को लड़कियाँ देता है यहबिलुम इशा व जुकूर किसी को लड़के देता है और युज्फ़ भी जो हम जुकुरान वही इनासा किसी को लड़के भी देता है लड़कियाँ भी देता है वही जलुम अशा वकीमा और किसी को बाझ रखता है कुछ भी नहीं देता ये अल्लाह रबुल्ज़त के इख्तीार में नाजीन इंसान पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके अपने लिए औलाद हासिल करना चाहे तो औलाद हासिल नहीं कर सकता कितने ही ऐसे जोड़े हैं जिन जो साहिब औलाद नहीं हैं जिनकी जिनके बच्चे नहीं हैं आप उनसे पूछें कि वो दुनिया की सारी दौलत खर्च करने को तैयार हैं हर सब कुछ करने को तैयार है हर किस्म का इलाज कराने को तैयार हैं और सिर्फ क्या कि अल्लाह ताला उनको औलाद की नहमत से नवाज दे और वो तो ये कहते हैं कि अल्लाह हमें बेटी दे बेटा दे बस औलाद दे तो लिहाजा नाजरीन ये अल्लाह रब्ल्ज़त ने इंसान के इख्तियार में नहीं रखा ये सब कुछ अल्लाह रब इज़त ने अपने हाथ में रखा और अल्लाह तला ने मर्द औरत और और को पैदा किया अब इसके अंदर ये कोई तफरीक नहीं है कुरान कहता है लकद ख़लत इंसान यह आहसनी तकवीम कि हमने हजरत इंसान को आहसन तकवीम पर पैदा किया कुरान कहता है वलकत करमना बनी आदम कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त फ़रमाई तो बहसीत इंसान होने के मर्द औरत और और दोनों बराबर हैं बहसीत और तक्रीम के अतबार से मर्द औरत और और दोनों बराबर हैं अल्लाह ताली ने बनी आदम कोता फ़रमाई है अल्लाह रबुल्ज़त ने इस कायन के अंदर मर्द औरत को पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी की बका हो ताकि जो हज़रत इंसान है, वो दुनिया के अंदर मौजूद रहे दुनिया के अंदर इंसानों की तवालुद का और तनासुल का सिलसिला जो है वो जारी रहे और उसके लिए अल्लाह इज़्ज़त ने जो है वो मर्द औरत को पैदा किया और उन दोनों को एक दूसरे का जोड़ा बनाया व समाबन अभी नाउ सऊ वरदफ़रश ना हाफ फ़नीमादून अल्ला कहता है अमिन कुल शैन ख़लक ना जव जई नीलाकुम तदक कर हमने हर चीज़ के अंदर जुड़ा पैदा किया तो लिहाजा ये तो अल्लाह कहता है हर चीज़ में जोड़े पैदा किए इसी तरह अल्लाह इंसान के अंदर जो है मर्द और और औरत को पैदा किया फिर ये जो माइंड सेट है नाजिन इसको तब्दील करने की ज़रूरत है हज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस के अंदर इस बात को बयान किया कुरान के अंदर अल्लाह तक को कंडेम्ड किया है कुरान कहता है वज़ा बशरा अहद बिलसा ज़ल्ल वजुह मस्व कदीम य तवराम कौमी मनसुई माबर भी अम सिका हून अम यदुस्सु फराब अला सा मायाकुमून अल्लाह कहता है जब उनको ख़बर दी जाती है कि उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई है इस बात की खुशखबरी दी जाती है तो वो क्या करते हैं उनके रंग जो है वो सियाह हो जाते हैं गुस्से से और वो आ, इस, इस ख़बर को लोगों से छुपाते हैं उनका बस नहीं चलता कि वो उस बच्ची को ज़मीन में दफना दें धसा दें और जो है लोगों से आंखें नहीं मिलाते अल्लाह कहते हैं ये कैसा इंसाफ़ करते हैं ये किस किस्म का जुल्म करते हैं कि बच्चे की ख्वाहिश पर आप मिठाई तकसीम करते हैं आप मुबारकबादें वसूल करते हैं आप जो है दावत करते हैं आप अकीक करते हैं आप जो है उसका चर्चा करते हैं और जब बच्ची की पैदाइश होती है तो ना उसकी कोई दावत होती है ना कोई उसका चर्चा होता है ना कोई उसकी मिठाई तकसीम की जाती है ना कोई उसका अकीक होता है तो ये जुल्म हम हम सब मिल करते हैं और इसमें हमारे भाई भी शामिल हैं तो हमारी बहने भी शामिल हैं हमारी ख़वात भी जो है हमारी घर की बड़ी बुज़ुर्ग औरतें भी इस बात को पसंद नहीं करती कि उनके यहाँ जो है उनके बेटे के यहाँ या उनकी बेटी के यहाँ जो है वो लड़का हो या लड़की हो वो इस बात को पसंद करती हैं कि भाई लड़का हो और कुछ तो इस बात को पसंद करती हैं कि भाई लड़की होनी नहीं चाहिए और लड़कियों की पैदाइश पर जो है वो ताने दिए जाते हैं ये आज भी हमारे माशरे के अंदर ये बात पाई जाती है तो लिहाजा नाजरीन इस इस जहनीत को बदलने की ज़रूरत है इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है देखें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अम्बिया के तस्करे फरमाए हैं अब आप देखें हज़रत जो लूत सलाम थे उनका बेटा जो था वो नाफ़रमान था और अल्लाह के रसूल हज़रत लूत सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की अल्लाह ये मेरा मेरा बेटा है ना मिन अहली तो अल्लाह के अल्लाह ताला ने क्या इशायत फ़रमाए इन्ना अमल इसका अमल ठीक नहीं है और वो तो गुमराह हो जाता है लेकिन हज़रत लूत सलाम की बेटियाँ जो है वो हज़रत लूत सलाम का साथ देती हैं इसी तरह से हम देखते हैं हज़रत शुएब सलाम अल्लाह ताला उनको बेटियां देता है और वो बेटियों का तस्कर कुरान में अल्लाह ताला ने किया उनके हया का तस्करा किया है और हज़रत मूसा सलाम से अल्लाह ताला उनकी एक बेटी से निकाह करवाते हैं तो लिहाजा नाज़रीन इसी तरह से हम देखते हैं कि फ़िरौन की जो बीवी है अल्लाह ताला ने जो है वो उसको ये एहसास दिया कि वो इस्लाम ले आई और उसने जो है तौहीद का कलमा बुलंद किया तो नाज़रीन हमें कुरान के अंदर भी कई वाकत में से पता चलता है कि खातिन को अल्लाह ने बड़ा, बड़ा इकराम से उनका तस्करा फरमाया है वरात फ़िराउन के फ़िरौन की बीवी का तस्करा है इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो शख्सियत ईमान लेके आई वह हजरत खतीकुब्रा रजी अल्ला ता थीं और वही ख़ा इसी तरीके से हज़ू अक्रम सल्ह वसलम को अल्लाह ताली ने चार बेटियाँ ताजरत ज़ैनब ने तो जो आपकी बड़ी साहबज़ादी थी उन्होंने तो कई तकालीफ़ का सामना किया और इसी तरह से हजरत रुकैया हजरतम कुलसूम जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तुम के निकाह में आई, और जिनकी वजह से हजर ओस्मान को ्ल नौरन का खिताब दिया गया फिर इसी तरह से हजरत फ़ातमत ज़हरा रजी अल्ला ता जो 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 हज़ूर अक्रम की चहेती साहबज़ादी थी और आपको अपनी साहबज़ादी हरत फ़ातमा से बेहद मोहब्बत थी तो लिहाजा नाजरीन हज़ूर अक्रम सलील वसम ने इस माइंड सेट को तब्दील किया आपने जो है वो बच्चियों की पैदाइश पर जो है वो किसका का इज़ार किया खुशी का इज़हार किया जन्नत की ज़मानत का का एलान किया कि जो शख़्स जो है बच्ची की पैदाइश पर खुशी का इजहार करता है उसकी तरबियत करता है अल्लाह ताला उसको कल जन्नत में दाखिला फरमाएंगे तो उससे उनसे मुतालिक कुछ अदीस हैं वो मैं आप हज़रा के सामने पढ़ देता हूँ हज़ूर अक्रम सल्ह वसलम ने इशाद फरमाया कि देखें कि मन आला जार कि जिसको अल्लाह त दो लड़कियां दी और उसने उन दो लड़कियों की परवरिश की मना आला जा रही है तई नहीं हत्या तब लुआ जा योमल क्यामती और वो जब बच्चियाँ बड़ी हो गई यानी जब बड़ी हो गई बालिग हो गई उनकी शादी हो गई वो अपने पाँव पर खड़ी हो गई तो वो शख्स कल क्यामत के दिन आएगा जा योमल क्यामती अना व हुआ हा कदा वजम आसाबिया आप सल्ला वसम ने अपनी उंगली को इस तरह से किया अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे किया ऐसे और मिलाकर कहा कि वो कल जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा यानी मेरे साथ बिल्कुल मिला हुआ होगा तो आपने अपनी उंगलियों को मिला दिया यानी ये देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मन आला जारियतैन जारियतनीलमां ने इरशाद फरमाया जारियतैन तईन यहाँ पर दो बेटियाँ भी हैं और दो बहनें भी मुराद हैं और इसी तरह से बहनों का भी एक अलग हदीस में भी है और इसमें भी कहा गया है कि दो बहनों की भी अगर किसी शख्स ने परवरिश की और तरबियत की और उनका निकाह कराया तो वो भी इसी तरह से कल के आमद के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आला सलासा सा औ मिसलहुन्ना कि जिस शख़्स की तीन बेटियां हों औ मिसलहुन्ना या उसके मिसल हों क्या मिसल तीन बहनें हों अब देखें माशाल्लाह हम सब अल्लाह ताला ने हमें बेटियां भी दी हैं बहनें भी दी हैं तो लोगों के ऊपर बोझ होता है बहनों की तरबियत करना बहनों की परवरिश करना उनके ऊपर खर्च करना बोझ महसूस होता है तो अल्लाह के रसूल शात फरमाते हैं मन आला सलासा सा बना तीन और मिसला उन्ना मिनल अखावात यानी तीन बहनें हों या बेटियां हों फ बहाना और उनकी वो तरबियत करे उनको अदब सिखाए उनकी सही देखिए बच्चियों की तरबियत ये माँ बाप की म्मेदारी है बहनों की तरबियत यह भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि उनकी उनकी अदब एहतराम सिखाए उनकी तरबियत करे और आ, व महुन्ना और उनके अंदर क्या करे उनके उन उनके अच्छी तरीके से महब्बत के साथ उनकी परवरिश करे हत्या युगनी और जबाल्ल्ला जानना यहाँ तक कि वो उनसे बरी हो जाए गनी हो जाए क्या मतलब यानी उनकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर दे तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए क्या करते हैं जन्नत को वाजिब करार देते हैं साहब ने पूछा या रसूल्ला फ़कॉ रजूल या रसूल अल्लाह के एक, एक साहब बैठे हुए थे उन्हें यार सुल्ला यहाँ पे आपने तीन बेटियों का तीन बहनों का तस्करा किया और अगर किसी की उनकी दो थी अवस्तई नहीं जिसकी दो हों तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने रिशात फरमाया अवस्तई नहीं कि जिसकी दो हों यानी जिसकी दो बहनें या दो बेटियाँ हों और उन्होंने उसकी सही तरह से तरबियत की उनको अदब एहतराम सिखाया और उनका निका कर दिया तो और उनकी जिम्मेदारी से बरी हो गया तो दो बेटियों और दो बहनों की परविश पर भी जन्नत की जमानत है हतीकालू अवाहिद वादत यहाँ तक कि हज़ू सल्ल वम से एक सब्ज़ के यारसोल्ला एक शख्स यार के कि अगर जो है आ, दो हों तो दो पे भी और अब नबाश रजी अल्लाह तहते हैं अगर वो लोग लो उस वक्त हज़ू अक्रम सल्ह वसलम से पूछते एक बच्ची के बारे में कि जिसकी एक बेटी हो या एक बहन हो और उसने सही तरह से उसकी तरबियत की हो उसकी परवरिश की हो तो उसके ऊपर भी हुजूर यही फरमाते कि उसके ऊपर जन्नत जो है वो वाजिब हो गई है एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो जिसको अल्लाह ताला मन कान कानल उनसा जिसको अल्लाह ताला बेटी दे जिसके पास बेटी है फलम यद हा और उसने उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई वलम यूनिहा और उसने उसको दफनाया नहीं वलमयू सिर वल आलिया और उसको लड़के के ऊपर यानी लड़के को उसके ऊपर तरजीह नहीं दी यानी क्या उसको तकलीफ़ दे रहा है और उसको अजियत दे रहा है किसी किस्म की कोई अजियत नहीं देता उसको ज़मीन में दफनाता नहीं है यानी कत्ल नहीं करता और उसको बेटे को उसके ऊपर तरजीह नहीं देता हमारे यहाँ क्या होता है कि बेटे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है उसको ज़्यादा पराठे खिलाए जाते हैं मक्खन खिलाया जाता है उसको ज़्यादा लुक आफ्टर किया जाता है उसकी पढ़ाई के ऊपर भी ज़्यादा खर्च किया जाता है और बच्ची को कहते हैं ये तो पराया माल है इसने तो पराया घर में चले जाना है और उसके ऊपर क्या ज़रूरत है तो आम तौर पर ये माइंडसेट हमारे घरों में मौजूद है तो लड़के को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और बहनों को कहा जाता है कि तो भाई है इसको तो पूरा हक़ है और बहनों को कहा जाता है कि तूने तुमने अपने भाई की बस खिदमत करनी है उसको जो है वो शहजादा बना के रखा जाता है तो लिहाजा ये बात जो है वो गलत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सर शाद फरमाया कि जिसने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा अब देखें ये कितनी बड़ी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को बयान किया और ये इस हदीस को सुने ने, अभी दाऊद ने बयान किया दूसरी हदीस है कि अगर किसी की देखें आम तौर पे क्या होता है आजकल ये मामला बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है कि हम देखते हैं कि किसी की बेटी को तलाक हो गई है या उसका शौहर इंतकाल कर गया किसी की बहन को तलाक हो गई या उसका शौहर इंतकाल कर गया ऐसे हालात हो गए तो उस बेचारी को वापस अपने माँ बाप के घर आके रहना पड़ जाता है तो उसके लिए ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है उसको जो है वो ताने सुनने पड़ते हैं और उसको जो है ज़हनी टॉर्चर किया जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुराका इबन मालिक से फ़रमाया अला अदलो का अला आजम सदा औ मिन आज़म अम क्या ए सुराका मैं तुम्हें बताऊँ कि बहुत बड़ा सदका क्या है या बड़े सदकों में से एक सदका क्या है यानी एक तो कहे बहुत बड़ा सबसे बड़ा सदका यही है और कहा बड़े सदकों में से एक सदका क्या है वो ये है कॉले बला या यारसूल्ला या रसुल्ल्ला बिल्कुल आप बताएं क्या है बहुत बड़ा सदका या बड़े सदकों में से कौन सा बड़ा सदका है कि जिसको हम करें अल्लाह कर के रसूल सल्लासल शात फरमाया कौर अबन तो का अमदूदत ही का देखो अगर तेरी बेटी तेरी बेटी जो है वो तेरी तरफ लौट आए तेरी तरफ लौट आए यानी मैंने जैसे अर्ज़ किया तलाक हो गई खुला ले लिया उसने या उसका मियाँ मर गया बेवा हो गई और उसका कोई पुरसान हाल ना हो तो लही सल कासिम वगैरह का तो तू जो है वो उसको क्या कर तू अगर उसको जो है वो लुक आफ्टर करता है तो तू ने क्या किया तो तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लाशात फरमाया कि तेरे सिवा उसका अगर कोई आफ्टर करने वाला नहीं है और तुमने उसको आफ्टर किया और उस पर खर्च किया तो अल्लाह तनि ये बेहतरीन सदका है सबसे बड़ा सदका यही है या बड़े सदकों में से सदका है अब देखें अपनी बहन को बेटी को बोझ समझना आम पर क्या होता है कि हमारी बेटियां हमारी बहनें जब शादी होकर जाती हैं अब उसके ससुराल में उसके ऊपर लम हो गया शुरू हो गया तशद हो रहा है और उसको अब्यूज़ किया जा रहा है और हम क्या करते हैं रुखसत करते हुए कहते हैं बेटी तेरा जो है ना तेरा जनादा ही उस घर से निकलना चाहिए अब तू जा रही है अब बस वो, वो कोई रस्म होती है ना चावल पीछे फेंक के जाते हैं तो भाई बस तेरा दाना पानी पूरा अब तू जो है बस तो अब तूने जो है पीछे पलट के नहीं आना अब वो बेचारी जो है वो बेचारी म बर्दाश्त करती है तशद बर्दाश्त करती है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है और वो इस खौफ से कि मैं अपने माँ बाप के घर जाऊँगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे बहन बड़े भाई जो है वो वो ताने देंगे भाभियाँ ताने देंगी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी अब वो बेचारी देखें आ, उसके साथ जुल्म हो रहा है वो म को बर्दाश्त कर रही है क्यों कि उसको उसके लिए पीछे के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आपने फरमाया बेहतरीन सबसे बड़ा सदका क्या है मैं देखिए मैंने अपना कोई अप, अपनी बात नहीं मैं कर रहा मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ तो हम क्या करें उन उन बहनों को लुक आफ्टर करें अपनी बेटियों को लुक आफ्टर करें और उनको लोगों के रहम करम पर मत छोड़ें जहाँ पर उनके वन आज कल आप देखें क्या हो रहा है कि जो है वो बच्चियाँ ख़ुदकुशी कर लेती हैं आज ही एक मेरी एक बहन का मुझे फ़ोन आया उसने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो मैंने उसको कहा हर गिज़ ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है हराम मौत मरने की ज़रूरत नहीं है तुम जो है अपने जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करो अपने घर वालों से अपने वालदे से अपने बहन भाइयों से उन्हें कहा वो सुनते नहीं हैं वो उल्टा मुझे कह ताने देते हैं मुझे कहते तू अपना घर बसा है नहीं वो कहती मैं रोज़ाना जो है वह अव्यूज़ होती हूँ मेरे पर जहनी तशद्द होता है जिसमानी तशद होता है तो मैं क्या करूँ देखें नाजरीन ये माइंड सैट बदलने की ज़रूरत है हम सबको अल्लाह ताला मुझे भी तोफ़ी का फरमाए आप सब हजरात को तोफ़ी का फरमाए और ये जो जालिम लोग हैं ये आज भी जो है बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत ता फरमाए और जब हम इस पैगाम को आम करेंगे देखें मेम्बर से मेहराब से और हर प्लेटफार्म से जब हम आवाज़ उठाएँगे और इस जुल्म के ख़िलाफ़ तो इन श्ला लोगों की तरबियत होगी जैसे मैंने ये पैगाम किया आप हजरात ने सुना अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि ख़ुद भी अमल करें और जो लोग इन चीज़ों के अंदर मुल्व हैं वो अपनी असलाह करें और जो अगर इस किस्म की सोच रखते हैं वो अपनी सोच को बदलें अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की अता फ़रमाए आखरद दावान रब्बिल आलमीन